लोगों ने की। अब इसके पीछे में आप जाइएगा तो मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं बुरा नहीं लगेगा। आज जो इस्लाम को पकड़ के चल रहे उसके पीछे भी हम लोग ही उत्तरदायी हैं। आज से नहीं, शुरू से हम लोग ही उत्तरदायी हैं। वो शूद्र है, उसको मंदिर में जाने मत दो। ये जो कर्म हम लोगों ने किया है जिसका परिणाम हम लोग भोग कर रहे हैं। समय बौद्ध धर्म आया था उस समय कृष्ण को लवर बॉय बना दिया और शिव को नशेड़ी, वहां से निकालने का हमने बहुत चेष्टा किया है, चेष्टा कर रहे हैं अभी भी। समाज व्यवस्था के अंदर ये बता रहे हैं अघोड़ी का मतलब नहीं है कि नशा में रहो आंख लाल लाल हो ना है। आज 85 साल का हूँ और आपके सामने बोल के जा रहा हूँ इसी शरीर में 300 साल रहूंगा, 215 साल और रहूंगा। इसको अगर 21वीं सदी के लोग ड्रामा ढकोचला मान रहे हैं तो मान लीजिएगा फिर काशी, इसी काशी करवट के पास फिर हम मिलेंगे। तो जो इस्लाम की तरफ से हमारे काशी के ऊपर जो मस्जिद बनाई गई वो 500 साल का इतिहास रहा है। और मैं फिर आपके संग एक छोटा सा वाक्या शेयर करना चाहता हूँ। मुगल पीरियड में तुलसीदास हुए थे और तुलसीदास उस समय रामचरितमानस का रचना किए थे और स्वतंत्र भारत की लड़ाई में साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर मुगलों की चरित्र उतना गंदा होता तो तुलसीदास रामायण में कहीं ना कहीं उल्लेख किए होते, किंतु मुगल जो कर्म किए हैं उसका फल उनको मिल रहा है, हमारा संपत्ति हमको मिल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा ना 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में मुझे याद आया, मोदी जी उस दिन याद नहीं किए शरद कुमार कोठारी और राम कुमार कोठारी को, किंतु मैंने सुबह उनको सबसे पहले याद किया। मोदी जी सिर्फ माध्यम थे, प्रधानमंत्री नहीं, राम रुचि रखा, राम की इच्छा के अनुसार वहां पहुंचे थे। ठीक है, हमारा चीज हमको मिलेगा, इंतजार कीजिए, यही सनातन का सबसे बड़ा सत्य है। ये तो हम बिल्कुल मानते हैं कि सनातन में सबसे बड़ा धैर्य माना जाता है, धैर्य रखेंगे सब कुछ मिलेगा, बट एक चीज तो हमें सोचनी पड़ेगी क्या सही है, क्या आपके हिसाब से वो चीज सही थी या गलत थी जो इस्लामिक लोगों ने करी। इस्लामिक लोगों ने की, अब इसके पीछे में आप जाइएगा तो मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं बुरा नहीं लगेगा। आज जो इस्लाम को पकड़ के चल रहे उसके पीछे भी हम लोग ही उत्तरदायी हैं। आज से नहीं, शुरू से हम लोग ही उत्तरदायी हैं। वो शूद्र है, उसको मंदिर में जाने मत दो। ये जो कर्म हम लोगों ने किया है जिसका परिणाम हम लोग भोग कर रहे हैं, नहीं तो कौन इस्लाम। और एक चीज अगर और देखी जाए कि इस्लाम की जो पवित्र किताबें जो वो बोलते हैं उसके 15-1600 साल का इतिहास है, इस्लाम आया भी तभी ना। मैं फिर तो रहा हूं, आपको बहुत अच्छा वाक्या दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के इनका एक ये है। और एक और चीज बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का एक आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह के बिना ये लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकियौमिद्दीन इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्ताईन यहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वद्दालज़ालीन आमीन। ये किंतु कुरान में नहीं है, कुरान में सूरह बकरा से है। क्यों भाई कुरान में नहीं है किंतु इसके बिना आप नमाज नहीं पढ़ते हो। इसमें एक शब्द है सिरातल मुस्तकीम, अर्थात या खुदा मुझे ऐसे रास्ते पर चला जहाँ सिर्फ तू और तू और तू हो। कौन चलता है भाई, हम नहीं चल पा रहे हैं, तुमको कहाँ से एक्सपेक्टेशन रखे। 1947 के जिस समय आज़ादी हुई थी उस समय हम लोगों ने कुछ गलतियां की है, जिस गलतियों का परिणाम आज भी भोग रहे हैं। आप पाकिस्तान चले जाओ, हम लोगों को वोट का अधिकार नहीं है, यहाँ सब कुछ है। मैं राजनीति पर बयानबाजी नहीं करना चाहता हूँ, नहीं चाहिए बयानबाजी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम धर्म करना, इसलिए मेरे पास दो ही जात है, एक औरत एक मर्द। और जब हम एक चीज देखते हैं कि जो मस्जिदों में कुरान पढ़ी होती है उसमें लिखा है कि मुशरफी पूजा का कतलबाजी है, मतलब जो मूर्ति की पूजा, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान 30 अध्याय है कुरान के अंदर में, 16वें अध्याय में कहीं वहाँ 30 अध्याय है कुरान का। ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, कुरान में कुछ चीजें हैं जिसके विरोध में हम भी बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, जिसका संशोधन होना चाहिए। मतलब कि जिस तरह पार्लियामेंट में हम लोग किसी भी कानून का अमेंडमेंट लाते हैं, इनको भी अमेंडमेंट लाना चाहिए, इतना मेरा बोलना। मतलब आपके अकॉर्डिंग इस्लाम, ये सब कुछ नहीं है। What do you mean by Islam? Islam means peace. कहने का मतलब कि What do you mean by? पहले इस्लाम इस्लाम चिल्ला रहे हैं। इस्लाम के लोग भी दो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ना, एक अल्लाह का दूसरा, आपके कहने का ये मतलब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इस्लाम था वो शांति का इस्लाम था, और आज का जो इस्लाम है वो मुल्लाओं का इस्लाम है। मैं क्लियर कर बात करता हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
ईश्वर एक है आप बोल रहे हैं ना, एको नास्ति ब्रह्म द सन ऑफ गॉड, कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे, सब तो वहीं आके खड़ा है, मैं को खोज लो सब खोज लोगे और कुछ भी नहीं है। मतलब हमें गल हमारे साथ गलत हुआ, जो मुस्लिम अक्रांता है उन्होंने गलत गलत अक्रांता हूँ नहीं, घर शत्रु विभीषण, घर शत्रु राम, एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। विभीषण अपने घर में राम 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 पूरा लिखे हुए थे, मंदोदरी का हाथ पकड़े रावण और पकड़ के लेके चले देखने के लिए कि राम राम। तो वहाँ पर विभीषण बहुत अच्छा शब्द समझाया, रा से रावण, मौसम मंदोदरी, रावण खुश हो गया। तो हमारे घर के अंदर जब शत्रु छुपा हो तो हम बाहर वालों को क्यों बोले। मैं कोई हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन राष्ट्र की मांग कर रहा हूँ। मुझे हिंदू शब्द नहीं चाहिए, सनातन चाहिए, मुझे सनातन शब्द चाहिए। और अगर आप सनातन राष्ट्र की मांग कर ले रहे हैं तो जान लीजिए उसके बाप का हिम्मत नहीं है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करा के किसी को कन्वर्ट कर दे या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दे। मुझे सनातन राष्ट्र चाहिए, बस वही सनातन चाहिए। और सनातन जहाँ हो गए सत्य पर आधारित जीवन होगा। ठीक है, चलिए जय भवानी, जय भवानी।